अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कुनाफा। ये देखिए कुनाफा, वैसे पहले भी मैंने शेयर की हुई है इसकी रेसिपीज, लेकिन आज मैं डिफरेंट वे में कुनाफा बनाऊंगी और हम इसको बेकिंग ओवन में ही बनाएंगे। तो इसके लिए यानी कि इसको हम किस तरह से सॉफ्ट एंड जूसी कुनाफा बना सकते हैं, वो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने फेनियों का एक पैकेट ले लिया है, ये देखिए। और जिस तरह सा फेनी का पैकेट जो होता है वो मैंने ले लिया है एक, यानी कि ये पूरा पैक ये मैंने बाउल के अंदर ऐड कर लिया है। और अब हम इसको तोड़ लेंगे, इन फेनियों को जो है हम क्रश कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, अब इसको मैंने क्रश कर लिया। अब मैं इसके अंदर, ये देखिए, 2 टेबलस्पून बटर है, होममेड बटर, और ये मेल्ट किया हुआ है मेल्टेड बटर, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब हम यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून मिल्क है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर, ये मैंने चीनी का शीरा जो है वो तैयार कर लिया था, तो ये हमने शीरा, वैसे भी बाद में भी हम इसको यूज करेंगे, तो इसको हमने रेडी कर लेना है। 1 कप चीनी और 1 कप ही पानी है, उसके अंदर इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से शुगर सिरप जो है ये रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है शुगर सिरप ऐड करूंगी, ये देखिए। और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ही क्रीम ऐड करेंगे, ये क्रीम हमने बाद में भी यूज करनी है, और अभी भी हम इसमें ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमारी कुनाफा की जो डो है वो रेडी हो गई है। ये अब हम इसको पैन में ऐड करेंगे। ये पैन को ग्रीस कर लिया है हमने, अब पहले हम इसकी लेयर लगाएंगे। व्यूअर्स, इसके अंदर ऐड करके अब हमने इसको इसे ऐसे अच्छे से प्रेस करके इक्वली प्रेस कर लेना है, ताकि ये इक्वली जो है ये अच्छे से प्रेस हो जाए। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से जो है ये बैठ चुका है, प्रेस हो चुका है, जो हमने कुनाफे की डो रेडी की थी वो हमने अच्छे से सेट कर ली है। और ये हाफ मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये हाफ जो हम ये ऊपर से इसकी लेयर लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर क्रीम ऐड करेंगे, मिल्क क्रीम। ये देखिए, इसको अच्छे से हम इसके ऊपर फैला देंगे। ये पूरा एक पैक है, ऑल पर्स क्रीम है ये जो मैं यूज कर रही हूँ, आप कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं। और आप घर वाली जो मलाई है उसको भी आप बीट करके क्रीम बना सकते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर ये थोड़ी सी घर वाली मलाई यूज करेंगे इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने ऐड कर ली है घर वाली क्रीम भी ऐड कर दी हमने। अब हम इसके अंदर चीज ऐड करेंगे, चीज की लेयर लगाएंगे। ये हमारे पास चैडर चीज है, ये हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये चैडर चीज हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है। अब हम मोजरेला चीज ऐड करेंगे। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर ये दोबारा से जो हमारा कुनाफा डो है इसकी हम लेयर लगाएंगे, इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। और इसको अब हम हल्के हल्के से प्रेस करके, जिस तरह से हमने नीचे वाला प्रेस करके सेट किया था, इसी तरह से हम इसको भी प्रेस करके सेट कर लेंगे। और ये सेट कर लिया है मैंने, अब इसके ऊपर मैं एक और लेयर चीज की लगाऊंगी, हल्की हल्की सी, हल्के हल्के से हम स्प्रिंकल करेंगे चीज, चैडर चीज एंड मोजरेला चीज, दोनों ही यूज कर सकते हैं। आपको अगर किसी का टेस्ट पसंद ना हो, आप जिसका आपको टेस्ट पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी चीज। और अब हम इसके ऊपर ये जो हमारा हमने शुगर सिरप रेडी किया है ये भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए, ये हम 1 एंड 2 टेबलस्पून शुगर सिरप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसको हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे,
और मैं अवन को प्री हीट कर उसके ऊपर हम इसको बेक कर लेंगे 200 पर 20 मिनट्स के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अवन ऑन कर दिया है 20 मिनट्स पर 200 पर इसको सेट कर दिया है, और ये इसकी डबल जो है इसको हमने ऑन किया है। ये देखिए ऊपर वाली रॉड भी और नीचे वाली रॉड भी, यहाँ पर सिर्फ सिंगल रॉड होती है ऑन, यहाँ पर डबल रॉड, और ये इसको मैंने 20 मिनट्स दिए। अब मैं इसको पहले प्री हीट कर लूंगी, फिर उसके बाद इसको कुनाफे को हम अपने अवन में रखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा कुनाफा रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और ये देखिए ये ब्राउन भी हो गया है। अब हम इसको निकालते हैं, और मैं आपको ये देखिए ये साइड से मैंने नाइफ के साथ इस तरह से इसको कर लिया, इसको सेपरेट कर लिया। अब मैं इसको यूं इस तरह से बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए इसकी ट्रे जो है, फिर मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। ये व्यूअर्स, ये मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने शुगर सिरप बनाया था, ये इसके ऊपर हम डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसके ऊपर ये शुगर सिरप ऐड कर देंगे, और आप इसको साथ भी सर्व कर सकते हैं, अगर जिसको मीठा कम लगे वो इसके ऊपर ऐड कर ले। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा कुनाफा बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही मजे का रेडी हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितने अच्छे से सेपरेट हो गया। ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये देखिए इसकी लेयर्स, ये कितने अच्छे से बन चुका है। ये देखें, ये बहुत ही मजे का कुनाफा हमारा रेडी हुआ है, जूसी एंड क्रीमी। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसी रेसिपी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।